बड़े भाई रणधीर कुमार सिंह को पुनः कहेंगे, उन्होंने हमें चुनौती दिया था, मैं उन्हें आमंत्रण दूंगा कि उनका क्षेत्र है सारठ, उनका क्षेत्र है देवघर, मेरा क्षेत्र है गिरिडीह। तो चलो, ऑटोनोमस बॉडी का मतलब होता है स्वतंत्र होकर काम करना, लेकिन मुझे लग रहा है कि सेंट्रल की एजेंसी बन के रह चुकी है, सेंट्रल की एक दूत बन के रह गई है और लोकतांत्रिक ढांचा में कहीं ना कहीं ईडी पर प्रश्न चिन्ह है। लोकसभा सुनील सोरेन पर उतरा कुछ बोला नहीं गया, क्या बात? एक मात्र एक शब्द उनके? नहीं नहीं बोला, बिल्कुल बोला मैंने, चूंकि मुख्यतः हम लोग अभी जहां भी जाते हैं तो वो जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र की समस्या पे बात करते हैं, और यहाँ जो मूलतः समस्या है वो कहीं ना कहीं माननीय विधायक जी के कारण डिस्टर्ब हुआ है, जो चित्रा है, और आज के आने का उद्देश्य हमारा चित्रा ही टारगेट था, सारठ विधानसभा भी टारगेटेड नहीं था। भैया यहाँ पे हरिजन एक्ट हुआ है, अभी तक 2 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऑडियो वायरल हुआ, खबर भी चला, जिसमें माँ बहन गाली दिया गया, आरएम सटाया गया, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही है। मैं प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से संदेश दूंगा कि आप अपराधियों के साथ भाई जैसा नहीं, आपकी जो ड्यूटी है और आपकी ड्यूटी के अनुरूप जो उन पर डर होना चाहिए, भाई होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। तो प्रशासन को ऐसे गंभीर मुद्दों को एक्शन में लेते हुए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। आगामी चुनाव में एसजेडी कैसे स्वतंत्र लड़ेंगे, किसी का समर्थन करेंगे? हम लोग स्वतंत्र लड़ेंगे और भविष्य में अगर कभी लोकसभा में विधानसभा भी समय है, लेकिन जहाँ तक लोकसभा, हम लोग आधे दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या दुमका लोकसभा में भी कैंडिडेट उतारेंगे? हाँ, उम्मीद है हम लोग दुमका में भी कैंडिडेट उतारेंगे। जैसे कि पाकुड़ सारठ विधानसभा का कुछ बताएं, यहाँ से कौन प्रत्याशी होगा? देखिए, अभी चूंकि लोकसभा, इसलिए हमारा फोकस लोकसभा में है, जैसे ही विधानसभा के लिए हम लोग कुछ करेंगे, सारठ से हमारे प्रत्याशी दिखेंगे। बड़ा महत्व के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, नहीं बिल्कुल, एक राजनेता की अच्छी कुशलता है, अगर वो महत्व गांव जाए तो खुद को महत्व बोले, कोई आपत्ति नहीं। मंडल गांव जाए तो हम खुद को मंडल भी बोले, यादव गांव चाहे गुजर तो खुद को यादव बोले, लेकिन मेरा मानना है कि केवल भाषणों में बोलिएगा या फिर आपके अधीन चलती है चित्रा कोलियरी, वहां उस समुदाय के लोग कितने हैं, वहां भी तो उनकी भागीदारी दिखनी चाहिए। केवल भाषणों में आप किसी समुदाय का हितैषी अपने आप को ना बताएं, रोजगार में आपके उनका कितना हितैषी है, इस बात का भी तथ्य होना चाहिए। या ये जो पेपर लीक हुआ था, ये झारखंड सरकार के रीजन में हुआ है सर, इसके बारे में आपका क्या कहना? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारे जो सरकार है, हमारे जो विपक्ष भी है, अगर सरकार दोषी करे तो विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। यहाँ दोनों का ढुलमुल रवैया है, जब यहाँ वेतन बढ़ाया जाता है तो पक्ष विपक्ष जश्न मनाता है, 2,72,000 विधायक का पेमेंट, लेकिन जैसे पेपर लीक होता है और पेपर लीक पटना से होता है, देखते हैं सब मिली भगत होती है, तो कहीं ना कहीं इस राज्य के सिस्टम में एक वेतन की जब बात आई तो मंत्री बनते हैं उनका भी पेंशन लेते हैं, विधायक बनते हैं उनका भी पेंशन लेते हैं, इनके बारे में सर आप क्या? देखिए मेरा मानना, आपकी सरकार बनेगी तो ये नीति लागू रहेगी? बिल्कुल, चूंकि शायद विधायकों का जो वेतन होता है शायद अनुसूचित 7 का मामला नहीं, अनुसूचित 7 की, हाँ राज्य सूची का मामला है। जी, मैं, मेरी जहाँ तक जानकारी है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये अनुसूचित 7 में राज्य सूची का मामला है, विधायकों का वेतन, उनका पेंशन। तो अगर, चूंकि हम लोग स्टडी करेंगे, अगर संभव हुआ कि हम लोग अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए अगर उनके पेंशन को बंद कर सके तो ब्रेंच नहीं ठोका जाएगा? नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे राज्य शक्तियों का निर्वहन करते हुए। बीमारी होती है अंदर जाने के बाद? नहीं, हम लोग अपने स्टैंड पर, कई बार हमने देखा नहीं, कई बार अलग होगा, पूरे झारखंड में जो शख्स आपके बीच खड़ा है ऐसा शख्स भी दिखाइए, कोई भी अगर होगा ना तो अपने विधायक लेवल 1932 पहला बाबूलाल जी लागू किए थे, जो सरकार शिबू सोरेन जी के द्वारा गिराया गया था। देखिए सबसे पहली बात है 370 का आप उदाहरण लीजिए ना, 70 साल हो चुका था, सबको लग रहा था ये मील का पत्थर है, ये धारा कैंसिल नहीं होगी या फिर ये धारा कंट्रोल में नहीं आएगी। सर क्या आपको लगता है कि आप जिस लड़ाई में लड़ रहे हो लड़ाई आपकी सक्सेस होगी? देखिए अगर बाबूलाल जी जैसे, देखिए झारखंडी अगर सहयोग करेंगे तो क्यों सहयोग नहीं होगी? तमिलनाडु में एक जल्लीकट्टू का कानून था, जिस कानून को, कानून नहीं एक प्रथा थी, उस प्रथा को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। देखिए पहला बात, मीडिया वालों अगर आपका सुन, मेरा भी सुनिए, ऐसा उत्तर नहीं होता है, मेरा बात सुनिए, नहीं तो आपका हम आदर करते हैं, आप अपने आप को कटअप कर सकते हैं। जल्लीकट्टू में जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हस्तक्षेप किया गया कि जल्लीकट्टू को प्रतिबंध किया जाए, तो तमिलनाडु के लोग सड़कों पर थे। तो जिस दिन झारखंड के 3 करोड़ लोग हैं, इनमें अगर 10% लोग सड़कों पर आ जाएंगे, विधायकों का हुक्का पानी बंद कर देंगे, हर नियम बनेगा, हर एक नियम बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? जब इसी भारतीय संविधान की अनुसूची 9 में सन 1990 में 66वां संशोधन करके 1932 से 24 साल पुराना कानून, जिसको हम लोग CNT बोलते हैं, उसके 3 अध्याय को शामिल किया गया है, तो क्यों नहीं 1932 शामिल होगा? लॉजिकली बात कीजिए, होगा। बस झारखंड कितना जागा है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, सन 1958 के आसपास एक पेपर छपा था, जब राजेंद्र प्रसाद, जब उस समय
शायद राष्ट्रपति थे जब झारखंड आया तो उन्होंने कहा था छोटा नागपुर के लोग अगर नहीं जागे तो बाहर के लोग यहाँ के साधनों में कब्जा कर लेंगे, तो जागेंगे तो नियम बनेगा। सरस्वती पूजा के नाम पर चंदा करना है, देखिए नहीं चंदा राजनीतिक चंदा नहीं होना चाहिए, सामाजिक चंदा होना चाहिए, मन सद्भावना का चंदा होना चाहिए। लेकिन कोई विधायक सांसद अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए अगर किसी धर्म का सहारा ले रहा है तो ये ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वफादार थे इसलिए मुख्यमंत्री बने हैं, चूंकि अभी वो नए नए आए हैं इसलिए मैं उनसे पहले ये कहूंगा कि निष्पक्ष होकर काम करें और सबसे पहले जो छात्रों पर FIR हुआ है उसको रद्द करवाएं। और जो भी चूंकि देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा था 1932 का खतियान, उससे भी उससे और एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि जो हमारी GM लैंड है उनका रसीद कटेगा, लेकिन रघुवर दास ने GM लैंड को लैंड बैंक बना के उद्योगपतियों को बेचने की तैयारी की है तो GM लैंड का रसीद कटे, क्योंकि झारखंड का मतलब है जल जमीन जंगल। बिरसा मुंडा की लड़ाई भी थी जमीन बचाने की, और रघुनाथ महतो की भी लड़ाई थी जमीन बचाने की, तिलका मांझी की भी लड़ाई थी जमीन बचाने की, और जितने भी आंदोलनकारी रहे हैं चाहे टिके तुमराव रहे या शेख भिखारी रहे सब झारखंड की माटी को बचाना चाहते थे। तो सरकार को चाहिए कि उस नियम को रद्द करते हुए रेतों का अधिकार बने, ये नियम होना चाहिए। आपने अभी बोला कि 1900 आपने भाषण के माध्यम से बोला कि जो 1932 का बात करेगा वही असली नेता होगा, तो हेमंत सोरेन भी 1932 का बात करते थे। देखिए नहीं उनको बात नहीं करना चाहिए, उनको तो काम करना चाहिए, उनको काम करना चाहिए। उनको जितना भी बड़ी बड़ी कंपनियों को MU काटा है उनको फोर्स करके जिनकी जमीनों पर कल कारखाने नहीं है वो जमीनें वापस करनी चाहिए। उनको जितना टाटा की खाली जमीनें हैं, BCCL की खाली जमीनें हैं उनको वापस कराए रैयत को, उनको GM लैंड का रसीद काटने के लिए रैयत को अनुमति प्रदान करे अंचल से, वो नियम बनाना चाहिए। वो उनको भाषण देने से नहीं चलेगा क्योंकि वो सदन में है, सदन में कलम चलता है, भाषण सड़कों पे दिया जाता है, भाषण मंचों पे दिया जाता है। केसेस को लगातार लो सर, पिछले कुछ दिनों पहले अंगद नायक को डेथ हो गया, फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है और आपके लोगों को छांट छांट के केस कर दिया जाता है, तो इसको किस रूप से देखते हैं? केस पे हमें टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आज अंगद नायक को हम लोग इस सभा में भी श्रद्धांजलि दिए, हमें खेद है और एक ऐसी मैंने क्षति है जो शायद भरी नहीं जाएगी। लेकिन मेरा मानना है कि अब थोड़ा सा हम बार बार अपने भाषणों में संदेश देते हैं कि युवाओं को भी सड़क पर चलते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, मद्यपान चूँकि जो गाड़ी वाले हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चलाते हैं तो रात्रि के समय बड़ा रफ चलाते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि रोड में बहुत सारी जिंदगियां चलती हैं, उनके थोड़ा सा बाय मिस्टेक से जिंदगियों का अंत हो सकता है, तो उनको भी केयर करते हुए चलना चाहिए, जो चलाने वाले उनको भी केयर करना चाहिए, मेरा संदेश रहेगा। और जहां तक नायक भैया का सवाल है, अपूर्णीय क्षति है, उसको लेकर हम लोग अभी भी गमगीन हैं। दूसरे लोगों को आपने अभी बोला कि जो फोटो दूसरे नेता से खिंचवाते हैं वो आपने भी तो कभी दूसरे नेता से फोटो खिंचवाते होंगे? फोटो खिंचाने के बाद हमने क्या कहा जरा मैंने एक्सप्लेन करके बोलिए, एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ तो ये आप पहला बात है कि आप लोग मीडिया वाले लोग जब मैंने इलॉजिकल सवाल करते हैं हमको बड़ा दुख लगता है। हमने क्या कहा था, चमचई का उदाहरण देते हुए कहा था, आप सवाल पकड़ते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन को नहीं पकड़ते हैं, आप पैराग्राफ को मत पकड़े, पैराग्राफ का आशय क्या उसको पकड़े। आप मीडिया के लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, प्लीज आप लोग थोड़ा सा अपने मीडिया के कैरेक्टर को बेहतर करें, मैं आपसे आग्रह करूंगा। कुछ लोग हैं आप समझिए, मैं आप लोग मीडिया है, सम्मानित लोग, एकेडमिक लोग हैं, आप ये सवाल हमने कब कहा था कि झारखंड में चमचई के कारण है कि आप लोग लीडरशिप नहीं तैयार करते? जैसे कि दुमका अभी तक आए नहीं, अगला मतलब क्या मतलब आएंगे कभी? दुमका कहने जाएंगे जी, हम लोग विधायक झारखंड की बात कर रहे हैं, आप दुमका आए नहीं, दो साल हो गया फिर भी। हाँ देखिए चूंकि आप दो साल काफी कम समय होता है, उस कम समय में हम लोग छोटा नागपुर को देखें, कोल्हान को देखें, पलामू और दुमका छोटा है संथाल परगना, उसको हम मेकअप करेंगे। झारखंड के युवा क्या जाग गए हैं? जिस तरह से अभी देखेंगे आपकी जनसभा थी, वहीं दूसरी ओर विधायक जी चंदा के नाम पर 3 से 4 हजार युवाओं को बुला लिया जाता है, तो क्या वो झारखंड नहीं जागे हैं? लेकिन कारण एक क्या है कि इकोनॉमी, आप भी जानते हैं कि आप अगर मीडिया का काम कर रहे हैं या फिर कोई अगर पुलिस का काम कर रहा है तो इकोनॉमी मस्ट है, और इकोनॉमी झारखंड की जो इकोनॉमी को डैमेज किया गया है, कारखाने हमारी फैक्ट्रियाँ हमारी जमीनों पर, लेकिन इकोनॉमी हमें यहाँ से नहीं हो पाती, हमें सूरत गुजरात जाना पड़ता है, तो हर इंसान को जिंदा रहने के लिए इकोनॉमी की जरूरत पड़ती है, तो इकोनॉमी डैमेज होने के कारण युवा कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। तो मेरा मानना है युवाओं को अब संभल कर अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए, जो हमारी इकोनॉमी को बेहतर करे, हमारी अर्थव्यवस्था को बेहतर करे, जो हमारे आर्थिक उन्नति का रास्ता तैयार करे, ये सोचना चाहिए। छोटे छोटे सभाओं के माध्यम से GD लोकसभा की तैयारी आप कर रहे हैं, पर आज भाषण में आपने क्या किया, सारठ की विधानसभा को खुली चुनौती दे दी है कि आप जिस लोकसभा से आप जाएंगे हम वहाँ पे अपनी दावेदारी पेश करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम आदरणीय माननीय बड़े भाई रणधीर कुमार सिंह को पुनः कहेंगे, उन्होंने हमें चुनौती दिया था, मैं उन्हें आमंत्रण दूंगा कि उनका क्षेत्र है सारठ, उनका क्षेत्र है देवघर, मेरा क्षेत्र है गिरिडीह,
तो चलिए आप भी सारठ से बाहर आइए, हम भी गिरिडीह से बाहर आते हैं। धनबाद सबसे हॉट सिटी, आप धनबाद लोकसभा में आइए, हम आपके सामने होंगे। धन्यवाद, जोहार।